हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी क्लैट्स का एक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने इमेज पे डिस्कशन का पार्ट टू लेके आया हूँ। मैं तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया था। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इमेज बेस्ड डिस्कशन करेंगे, ये दूसरा पार्ट है। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया था। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये है कि ये पूरी क्लासेस लाइव होती हैं। तो इसका मतलब ये है लाइव क्लासेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे एजुकेटर के साथ किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स का मैं एग्जांपल लूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहते हैं, तो ऐसे में वो एक अपना जो रूटीन है वो मेंटेन नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में वो जब भी अपनी ड्यूटी से फ्री हों वो अपना खुद का टाइम टेबल बना के अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेज़ की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेज़ के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये है कि जो भी अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो गई है तो उनको आप, अगर आप इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है तो आप कहीं से भी उसको डाउनलोड करके आप उनको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइव स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप तुरंत क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा भी मिलती है। इसका मतलब ये है कि लाइव क्लासेस के दौरान अगर एजुकेटर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके चार ऑप्शन हैं तो वो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। बस आपको सिंपली क्लिक करना रहेगा, टच करना रहेगा ऑप्शन को और उसका रिजल्ट आपको तुरंत आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ लर्न एनी टाइम एनी वेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे LIVEDRAM, मैं जो कोड है वो है LIVEDRAM, अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 4500 का। अगर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 11250 का। 6 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ यानी एक साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करके LIVEDRAM तो ये आपको पड़ेगा 27000 का। दोस्तों अगर यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर आपका फोकस करूँ तो 22500 यानी कि 12 मंथ के चार्जेस में अगर मैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर दूँ, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर दूँ तो ये टोटल बन जाता है 27000 रुपीज़। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आप पे करोगे सिर्फ 13 मंथ के लिए लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरा मिलेगा 2 साल का। तो दोस्तों अभी जैसे अप्रैल का एंड हो गया है तो ऐसे में 8 महीने बचे नीट पीजी एग्ज़ाम को, तो ऐसे में क्या कहते हैं 8 महीने के बाद नीट पीजी का एग्ज़ाम, उसके बाद रिजल्ट के लिए 1 महीना लग जाता है, फिर उसका काउंसलिंग जब तक होती है तब तक जो है और भी एग्ज़ाम्स आते हैं जैसे एम्स, PGI, ये सारे एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में नीट पीजी एग्ज़ाम के बाद भी अगर आप 2 महीने का 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एग्जाम्स के बाद भी आप अपने पढ़ाई के साथ टच में लगे रह सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप जो है एक बार 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं इमेज बेस्ड डिस्कशन पार्ट टू। तो दोस्तों जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। हमेशा अपने अंदर ये सोचिए कि जो है आप ये कर सकते हैं, आप जो है बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे करके अपने अंदर मोटिवेशन लेके आया करिए जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों
पहला इमेज लेते हैं, यहाँ पे स्नेक्स के बारे में है। तो स्नेक्स के ये बैली दिखाई गई है, बैली स्केल्स ऑफ स्नेक्स। पहला है, शोज बैली स्केल्स ऑफ पॉइजनस स्नेक, नोट दैट द स्केल्स आर ब्रॉड एंड कंप्लीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे कंप्लीट हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन पॉइजनस के अंदर पूरे कंप्लीट नहीं है। बी और सी इमेज के अंदर आप देख सकते हैं शो बैली स्केल ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक। तो दोस्तों स्नेक की बात चल रही है, तो स्टडी ऑफ स्नेक इट्स पॉइजन और सिम्टम्स को हम बोलते हैं ऑफिस्टोजीमिया, ऑफिस्टोजीमिया इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स, इट्स पॉइजन एंड सिम्टम्स। तो दोस्तों एक एक करके हम स्नेक्स के बारे में जानते हैं। ये है दोस्तों कॉमन कोबरा, इसका जूलॉजिकल नेम है नाजा नाजा, कॉमन नेम जैसे मैंने आपको बताया कॉमन कोबरा या फिर नाग। तो उसके अंदर खास ध्यान देने वाली बात है, इसका जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। दूसरा ये दोस्तों आप इमेज देख रहे हैं कॉमन क्रेट की, कॉमन क्रेट जूलॉजिकल नेम है इसका बेंगोरस सिरुलस, कॉमन नेम इसका इंडियन क्रेट। इसका जो वेनम होता है वो भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बैंडेड क्रेट का, तो कॉमन नेम भी इसका बैंडेड क्रेट ही है। इसका जो वेनम होता है वो भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है बनगेरस फैसिएटस। तो ये है हो गया बैंडेड क्रेट, इसका भी वेनम जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सॉ स्केल वाइपर की। तो ये जो है सॉ स्केल वाइपर, आप स्केल्स देख सकते हैं ऐसे सॉ लाइक है, ऐसा सॉ लाइक है, इसलिए सॉ स्केल वाइपर। दोस्तों इसका जो वेनम होता है वो मस्कुलर टॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दोनों होता है, वेस्कुलर टॉक्सिक। और इसको आप 5V से आप जो है रिमेम्बर कर सकते हैं, वी से वाइपर, वी से वीवी पैरस, वी से वर्टिकल पीपल, जो इसकी जो आँख होती है जो वो वर्टिकल पीपल प्यूपल होती है। वी शेप हेड, आप जैसे हेड देख सकते हैं वी शेप का होता है यानी कि ट्रायंगुलर, और वी से हो गया वेस्कुलो टॉक्सिक वेनम। तो ये आप 5V से आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रसल वाइपर की। तो जूलॉजिकल नेम हो गया इसका वाइपेरा रेसली, कॉमन नेम इसका गोनस, गोनस सांप, गोनस नाम सांप के नाम से काफ़ी फेमस है ये। वेनम जो होता है इसका वेस्कुलर टॉक्सिक हीमोटॉक्सिक दोनों होता है। तो ये हो गया इसका रसल वाइपर की इमेज। तो दोस्तों स्नेक की बात चली है, तो इसके अंदर आप ये ध्यान रखिए कि कॉमन करेट जो है, ये जो कॉमन करेट है, ये कॉमन करेट जो है वो होता है मोस्ट पॉइजनस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मोस्ट पॉइजनस स्नेक जो होता है वो होता है कॉमन करेट, वो होता है कॉमन ग्रेट। लेकिन दोस्तों मोस्ट डेंजरस जो होता है, मोस्ट डेंजरस जो होता है वो होता है दोस्तों कोबरा। क्योंकि दोस्तों कोबरा क्या करता है, वो 40 टाइम्स ज्यादा वेनमस निकालता है इंसान के अंदर, 40 टाइम मोर वेनम निकालता है इंसान के। तो इसलिए दोस्तों जो है मोस्ट पॉइजनस स्नेक जो है कॉमन क्रेट, क्योंकि कॉमन क्रेट सिर्फ 6 mg, आप सोचिए 6 mg डोज से ही इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन मोस्ट डेंजरस कोबरा है, क्योंकि कोबरा का जो डोज है वो भले ही ज़्यादा है लेकिन जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, इस वजह से मोस्ट डेंजरस हो जाता है कॉमन कोबरा। फिर आते हैं दोस्तों सी स्नेक के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं सी स्नेक की इमेज। तो सी स्नेक आर यूजली ब्लूइश ग्रेइश और ग्रीनिश इन कलर, दे हैव प्रोमिनेंट नॉस्ट्रल एंड आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्नॉट, बॉडी इज फ्लैटेड एंड बॉडी स्केल्स आर नॉट ब्रॉड। तो बॉडी इज फ्लैट, ये फ्लैट टेल इज फ्लैटेड एंड पैडल शेप, ये इसलिए रहती है, टेल आप देख सकते हैं पैडल शेप की है, फ्लैट है, ताकि ये पानी के अंदर अच्छे से अपने आप को स्विम कर सके, आगे ये अपने आप डायरेक्शन चेंज कर सके, मतलब ये पूरा पैडल की तरह काम करता है। तो इसका जो वैनम होता है वो मायोटॉक्सिक होता है। तो आप सी स्नेक को ऐसे याद कर सकते हैं, सी स्नेक, सी एस से हो गया आपका स्केलेटल मसल, मसल स्केलेटल मसल। तो आप ऐसे करके आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ये बिच्छू की। तो ये है इंडियन रेड स्कॉर्पियन, ये बिच्छू है। तो इसका जो वैनम होता है, स्कॉर्पियन वैनम इज क्लियर कलरलेस फ्लूइड एंड कंटेन फॉलोइंग टॉक्सिक कॉम्पोनेंट्स। तो क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फॉस्फोलाइपेज, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, हाइलुरोनिडेज, सेरोटोनिन, न्यूरोटॉक्सिन। तो ये सारे वैनम के कॉम्पोनेंट होते हैं बिच्छू के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बीज। तो इमेज आप देख सकते हैं काफ़ी 3D इमेज की तरह लग रही है, काफ़ी क्लियर इमेज है। तो बीज, बीज का जो वेनम होता है उसके अंदर बायोजेनिक एमाइंस की अगर बात करें तो हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, एसिटाइल कोलिन और एपामिन। तो ये सारे वेनम के अंदर बायोजेनिक एमाइंस होते हैं। वेनम के एंजाइम्स के बारे में बात करें तो फॉस्फोलाइपेज ए, हाइलुरोनिडेज, एसिड फॉस्फेटेज और मिनी मींस। तो ये सारे जो है एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। टॉक्सिक पेप्टाइड्स की अगर बात करें तो मेलिटिन, एपामिन, मास सेल डीग्रेनुलेटिंग पेप्टाइड्स। तो ये सारे जो है इसके अंदर टॉक्सिक पेप्टाइड्स ये पाए जाते हैं बी वेनम के अंदर। ये क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका डंक होता है, ये डंक जो है इंसान के अंदर जो है पियर्स कर देता है, उसी से वेनम जो है चला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वेब्स। ये भी काफ़ी क्लियर और अच्छी 3D इमेज टाइप की लग रही है ये। तो अगर इसके वेनम की बात करें तो वेब्स वेनम इज कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे हमने बीज के बारे में देखा था, तो वैसे बायोजेनिक एमाइंस की अगर बात करें तो हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और एसिटाइल कोलिन इसके अंदर पाया जाता है। एंजाइम्स की अगर बात करें तो फॉस्फोलाइपेज ए और बी, और एंजाइम्स की बात करें तो हाइलुरोनिडेज। टॉक्सिक पेप्टाइड्स की बात करें तो किनिन्स, और अगर बाकी वेनम्स के अंदर देखें तो एंटीजन 5 और एसिड फॉस्फेटेज, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर भी यहीं पे डंक होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पैरिथ्रम डेरिवेटिव्स की। तो ये सब पैरिथ्रम डेरिवेटिव्स हैं ये। तो पैरिथ्रम इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द क्रिसेंथेमम फ्लावर्स। पैरिथ्रम कंटेन्स 6 एक्टिव कंपोनेंट लेबल पैरिथ्रिन। पैरिथ्रॉइड्स आर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ पैरिथ्रिन्स। तो इसके अंदर क्या क्या, ये किसके अंदर यूज होते, कॉमनली यूज एज इंसेक्ट एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सल्फास। तो ये जो गोलियां हैं ये होती हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड्स आर अवेलेबल इन ग्रेइश ग्रीन टैबलेट्स ऑफ 3 ग्राम ईच। ईच टैबलेट रिलीज 1 ग्राम ऑफ फॉस्फीन। द टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट विद वेरियस ट्रेड नेम लाइक सेल्फोस, एल्फोस, सल्फास एट्सेट्रा। तो ये जो है सेल्फोस की एक टैबलेट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ये सीड्स ऑफ येलो ओलियंडर, इसको कनेर के नाम से भी हम जानते हैं। इसके फीचर्स की अगर बात करूं तो मिल्की जूस होता है, इफ अप्लाइड टू स्किन मे कॉज इन्फ्लेमेशन इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, नमनेस इन माउथ एंड टंग, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिडीनेस, लॉस ऑफ मसल पावर, टैकीकार्डिया, कार्डियोजेनिक शॉक, जॉन्डिस, रीनल फेलियर। तो ये दोस्तों सीड्स हैं कनेर के। ऐसे दोस्तों प्लांट के बारे में दिखाता हूँ, ये हो गया येलो ओलियंडर, येलो ओलियंडर, और इसके जो नट हैं वो ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एकोनाइट्स की। तो ये एकोनाइट का ये फ्लावर पेड़, एकोनाइट, इसको दोस्तों मीठा जहर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों टॉक्सिक पार्ट की अगर हम बात करें तो टॉक्सिक पार्ट जो है इसका रूट जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक रहता है, इसलिए रूट की भी एक इमेज मैंने रखी है। सीड्स और फॉलिएज भी टॉक्सिक होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है इसकी जड़ें। दोस्तों फेटल डोज की अगर बात करें तो 1 to 2 ग्राम ऑफ रूट या फिर 3 to 5 मिलीग्राम ऑफ एकोनाइट। इसका जो फेटल पीरियड होता है दोस्तों वो 2 से 6 घंटा इसका फेटल पीरियड होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोसैनिक एसिड की। तो ये जो है दोस्तों हाइड्रोसैनिक एसिड का एक सोर्स है, प्लांट सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स जो है बिटर आलमंड, इसके अंदर हाइड्रोसैनिक एसिड पाया जाता है। तो साइनिक
साइनाइड अकर्स एज सॉलिड लिक्विड और इन गैसेस स्टेट। गैसेस फॉर्म में हाइड्रोजन साइनाइड बोला जाता है, लिक्विड फॉर्म में इसको प्रुसिक एसिड बोला जाता है, और सॉलिड फॉर्म में इसको अकर्स एज सॉल्ट सच एज पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड। तो तीन फॉर्म में होते हैं, तो ये इसका जो सोर्स है वो है बिटर आलमंड। नेक्स्ट दोस्तों इमेज बात करते हैं पॉपी कैप्सूल का, ये जो है अनराइप है। तो मैंने अगली जो स्लाइड है उसके लिए मैंने राइप पॉपी कैप्सूल भी मैंने रखा हुआ है, तो लेकिन ये जो है अनराइप पॉपी कैप्सूल। तो ओपियम की बात करते हैं, कॉमन नेम है अफीम। तो अफीम इज द डिराइव्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट मतलब पेपेवर सोमनीफेरस फेरम। और इसके फीचर्स की दोस्तों अगर बात करें तो ओपियम प्लांट ग्रोज अप टू 0.3 to 1.5 meter इन हाइट। द प्लांट बियर्स वाइटिश कलर फ्लावर विथ 5 to 8 capsules। द अनराइप ओपियम कैप्सूल्स आर इनसाइज टू ऑब्टेन द एक्सट्रैक्ट विच इज मिल्की फ्लूइड। तो ये जो आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स जो है काट दिए जानते हैं, उससे जो है ये वाइट कलर का मिल्की फ्लूइड निकलता है। द मिल्की फ्लूइड फ्लूइड ऑन ड्राइड यील्ड ओपियम। क्रूड ओपियम इज इरेगुलर मास ऑफ ब्राउनिश इन कलर विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बिटर टेस्ट। पॉपी सीड्स जिसको खसखस बोला जाता है, इसकी भी मैंने अगली इसमें स्लाइड रखी है, आर वाइट सीड्स यूज एज कंडीशमेंट इन इंडिया फॉर कुकिंग। कुकिंग में यूज होता है खसखस। ओपियम प्लांट आर कल्टिवेटेड अंडर लाइसेंस इन इंडिया इन स्टेट ऑफ राजस्थान उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको अब राइप कैप्सूल दिखाता हूँ, ये है राइप पॉपी कैप्सूल, ये आप देख सकते हैं पूरा पका हुआ है, और ये हो गया खसखस, ये इंडियन लोग कुकिंग के अंदर यूज करते हैं। दोस्तों ये है धतूरा का फ्रूट। तो धतूरा को बोला जाता है थॉर्न एप्पल जिम्सन सीड। तो दोस्तों इसका काफ़ी स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर है दोस्तों, तो डीज के नाम से हम जानते हैं, डीज के नाम से हम क्लिनिकल फीचर्स को जानते हैं डीज। तो ड्राइनेस ऑफ द माउथ, बिटर टेस्ट, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, ये भी डी, यहाँ पे भी डी, ये डी, ये पूरा डी, डी को हाईलाइट करके रखा हुआ है। डिफिकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया, डायलेटेड प्यूपल, डिप्लोपिया, डिफिकल्टी इन विजन, ड्राई हॉट स्किन विथ फ्लशिंग, हाइपर पायरेक्सिया, ड्रंकन गेट, हाइपर रिफ्लेक्सिया, कन्वल्शंस, डिलीरियम, हेलुसिनेशन, एजिटेशन, एमनीजिया, इनकॉहरेंस, विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन, डेफिशिएट ऑफ रिसेंट मेमोरी, डिस्यूरिया, डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर और फिर डेथ। तो दोस्तों इसके लिए एक खास जो फ्रेज आता है वो होता है ड्राई एज बोन, रेड एज बीट, हॉट एज हेयर, मैड एज हैन। तो ये स्पेसिफिक वर्ड इसका दिया गया है, ड्राई एज बोन यानी कि ड्राइनेस ऑफ द माउथ इसके देखा जाता है, रेड एज बीट यानी कि ड्राई हॉट स्किन विथ फ्लशिंग, हॉट एज हेयर यानी कि हाइपरपायरेक्सिया, हॉट मैड एज हैन यानी कि डिलीरियम, हेलुसिनेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। तो इसलिए इसका जो है फ्रेज यही जाता है, ड्राई एज बोन, रेड एज बीट, हॉट एज हेयर, मैड एज हेड। तो ये फ्रेज जो है धतूरा के लिए आती हैं। तो ये इसका धतूरा का फ्रूट ऐसा होता है, ये हो गया धतूरा का प्लांट, ये ऐसा होता है, और ये हो गया धतूरा की सीड। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कैप्सिकम, जो मैंने बताया था, जो चिली सीड्स मैंने आपको बताया था, वो रिजेंबल करती है धतूरा सीड्स की तरह। तो जो चिली सीड्स होती हैं, चिली सीड्स, वो मैंने बताया था लुक्स लाइक धतूरा, धतूरा सीड्स बट स्मॉलर देन धतूरा, यानी कि जो चिली सीड्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं इन धतूरा सीड्स के कंपेयर में, लेकिन रिजेंबल करती हैं धतूरा सीड्स के बराबर ही। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैनाबिस। तो कैनाबिस सटाइवा इंडियन हेम्प। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कैनाबिस का है, कैनाबिस का ये प्लांट। तो प्रिपरेशन ऑफ कैनाबिस, तो प्रिपरेशन ऑफ कैनबिस कैसा होता है, द वेरियस प्रिपरेशन ऑफ कैनबिस सेटाइवा विच इज यूज एज फॉलोज। पहला है भांग, ऑल्सो कॉल्ड एज सिद्धि,
सब्जी, द भांग इज मेड फ्रॉम ड्राइड लीव ऑफ प्लांट प्रेस्ड इनटू केक्स। ये जो लीव्स होती हैं इसको जो है इन जो लीव्स होती हैं इनको ड्राइड कर दिया जाता है और फिर केक्स के अंदर प्रेस कर दिया जाता है, जैसे कि ये है भांग, ये जो लीव्स हैं लीव्स को प्रेस करके ऐसा शेप आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गांजा, गांजा इज ड्राइव फ्रॉम फ्लावरिंग टॉप। नेक्स्ट बात करते हैं चरस, चरस ऑल्सो नोन एज हशीश या फिर हैश एंड इज ड्राइव फ्रॉम रेजिनस एक्सुडेट ऑफ द प्लांट। जो रेजिनस मटेरियल जो निकलता है उससे जो है चरस बनता है। मजूम क्या होता है, अ स्वीट प्रिपेयर्ड विद एनी ऑफ द अबव प्रिपरेशन एडेड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मरिजुआना, मरिजुआना क्या होता है, दिस टर्म इज यूज्ड इन अमेरिका एंड मैनी टेक्स्ट कंसिडर्ड एज अ सिनोनिम्स विद गांजा। इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ द प्लांट, यानी कि जो मरिजुआना जो बनता है वो बनता है लीव्स ऑफ जो फ्लावर्स का जो टॉप होता है उनसे जो है ये बनता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भांग काफ़ी क्लियर इमेज, काफ़ी 3D इमेज लग रही है भांग, और ये हो गया दोस्तों गांजा, ये भी काफ़ी क्लियर और अच्छी इमेज। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो गांजा होता है वो फ्लावरिंग टॉप से बनता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नक्स वोमिका, ये जो आप देख रहे हैं ये है नक्स वोमिका के सीड्स। तो जो तो इससे हम आ जाते हैं स्ट्रिकनिन के ऊपर, तो ये हो गया इसका जो बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों वो होता है स्ट्रिकनस नक्स वोमिका। हिंदी में बोल जो कॉमन नेम होता है उसका बोला जाता है कुचिला या फिर डॉग बटन। इसके जो सीड्स होते हैं सीड्स कंटेन टू एक्टिव प्रिंसिपल, तो एक्टिव प्रिंसिपल जो है उसके वो है स्ट्रिकनिन और ब्रूसिन। तो ये हो गया इसके एक्टिव प्रिंसिपल। दूसरे इसके जो यूज हैं वो यूज होते हैं इसके दोस्तों रोडेंटिसाइड में फॉर किलिंग स्ट्रे डॉग्स, फॉर फोक मेडिसिन और एरो पॉइजनिंग के अंदर भी ये यूज होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्ट्रिकनिन यानी कि नक्स वोमिका। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस ये क्या करता है, जो स्ट्रिकनिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर इफेक्ट करते हो, इन ग्लाइसिन को इनिबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट अफेक्ट एंटीरियर हॉर्न सेल सेल एंड इनहिबिट इनहिबिट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके दोस्तों खास बात ये रखनी है कि अगर इसका जो कैप्सूल है अगर वो क्रश्ड नहीं है तो ये हार्मफुल नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये जो कैप्सूल अगर इसको क्रश कर दिया गया, सीड को पूरा क्रश करके खाया अगर किसी ने इंजेस्ट किया है तो ही फेटल डोज होता है। तो अगर फेटल डोज की अगर मैं बात करूँ तो फेटल डोज जो है वन सीड, लेकिन वो भी क्रस्ट, लेकिन क्रस्ट क्रस्ट इसके अंदर जो है टिटनेस जैसी कंडीशन हो जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है हमें ये जो इमेजेस हैं, इमेजेस शोइंग वेरियस पोजिशन इन स्ट्रिकनिन पॉइजनिंग, तो पहला है आपका ऑफिस्टोटोनस, ये हो गया आपका ऑफिस्टोटोनस ऑफिस्टोटोनस। बी इमेज, ये जो है इमेज दोस्तों ये है एम्फ्रोस्टोनस, एम्फ्रोस्टोनस, और फिर ये है इसको बोलते हैं लेटरल बेंडिंग प्यूरोटोनस। तो दोस्तों ये सारी चीजें इस स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग के अंदर ये सारी चीजें कंडीशन देखी जा सकती है। तो इसके अंदर आर्च ऐसे बन रहा है, इसके अंदर आर्च ऐसे बन रहा है और इसके अंदर लेटरल बेंडिंग हो जाती है। दोस्तों स्ट्रिकनिन की बात चली है तो इसके अंदर मैं बता दूं जो इसका जो एंटीडोट होता है वो होता है डायजेपाम, डायजेपाम इसका एंटीडोट होता है, एंटी डोट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ये कोनियम मैकुलेटम। ये दोस्तों आपने देखा होगा कि घरों के पास जो है ऐसे ही झाड़ियों में उग जाता है, ये गाय वगैरह इसको नहीं खाती हैं, गाय के लिए वगैरह के लिए भी ये जो है काफ़ी पॉइजनस होता है। ये इसको हिंदी में हेमलॉक के नाम से भी हम जानते हैं। तो बॉटनिकल नेम हो गया कोनियम मैकुलेटम, कॉमन नेम हो गया इसका पॉइजन हेमलॉक या फिर कॉमन हेमलॉक या फिर स्पॉटेड हेमलॉक। पूरा का पूरा प्लांट ही जो है ये टॉक्सिक होता है। इसके टॉक्सिक प्रिंसिपल की दोस्तों अगर बात करूं
तो क्वानीन एल्कलॉइड है और गामा क्वेनिसिन ये भी एल्कलॉइड है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये इमेज बेस्ड डिस्कशन में एंड करता हूँ। एंड करने से पहले बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। दोस्तों जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपने अंदर बिलीव लेके आइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर जब लेके आते हैं, ये सारी चीज़ बिलीव अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो है बहुत अच्छी एनर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ें रिटेन करने में भी जो है ये सारी चीज़ें मददगार होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी नीट पीजी क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो जैसे मैं आपको दोस्तों कहता हूँ बिलीव यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, इसके साथ दोस्तों हार्डवर्क अगर आप करते हैं तो जो है आपकी नीट पीजी 100% क्रैक हो जाएगी। दोस्तों हार्डवर्क के लिए जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं डेली, आप कोशिश करिए 8 से 10 घंटा मिनिमम पढ़ाई करें और उस 8 से 10 घंटे को भी 4 से 5 घंटे का एक स्लॉट और 4 से 5 घंटे का दूसरा स्लॉट, इस पहले स्लॉट में कोशिश करिए कि थ्योरी कवर करें और फिर दूसरे स्लॉट में आप MCQs, टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट ये दिया करिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि पहले आपने पढ़ाई किया फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने हो सके उतने MCQ सॉल्व करें, आप ये अप्रोच भी अपना सकते हैं। दोनों अप्रोच काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे ग्रैंड टेस्ट की बात आई है तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि कोशिश करिए जितने भी ग्रैंड टेस्ट आप देते हो डेली कोशिश करिए कि डेली दें, क्योंकि ये 4 से 5 घंटा मैंने एक स्लॉट पूरा ही दे रखा है। तो कोशिश करिए कि ये जो ग्रैंड टेस्ट है ये आप 3:30 बजे शाम को दें, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो शाम को 3:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप ये 2 स्लॉट में डिवाइड करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप सुबह एकदम अच्छे से पढ़ें और दोपहर के टाइम पे आप ग्रैंड टेस्ट दीजिए और फिर बाकी के टाइम पे उस आप अपना इवेल्यूशन करिए कि इसका आंसर क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों शाम को 3:30 बजे से एग्ज़ाम देने का ये ग्रैंड टेस्ट देने का बेनिफिट ही आपको ये मिलेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं जनरली दिन भर मान लीजिए वो रेस्ट लेते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हो, फिर दिन भर रेस्ट लेने के बाद रात में वो फिर कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। बहुत सारी जगह या बहुत सारे हॉस्टल या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैंने देखा है कि वो रात भर पढ़ाई करते हैं और फिर दिन भर वो रेस्ट लेते हैं। तो दोस्तों ठीक है, वो अप्रोच ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे होता दिक्कत ये है, दिक्कत इसमें ये आती है दोस्तों अगर आप दिन भर सोते हैं तो आपका एक शेड्यूल बिगड़ जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो दिन में दोस्तों रात में तो है नहीं। तो ऐसे में अगर आप यही पूरे साल भर अगर आप यही शेड्यूल से चलते हैं और एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले अगर आप अपना पूरा रूटीन अगर बदलते हैं तो पढ़ाई में काफ़ी हैम्पर उसमें देखा जाता है। इसलिए दोस्तों अगर अभी से ये शेड्यूल अगर आप मेंटेन रखते हैं कि शाम को 3:30 बजे से 3:30 PM अगर आप शाम को 3:30 बजे से अगर आप अपनी एग्ज़ाम का अगर आप ये अपनी आदत डाल लेते हैं तो इससे होगा ये कि आपको एग्ज़ाम से पहले आपको कोई कोई शेड्यूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको साल भर से आपको वही शेड्यूल चला आ रहा है, तो इससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई शेड्यूल अपने बदलने की जरूरत नहीं पड़ी और आप अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं जब एग्ज़ाम से कुछ दिन बचे होंगे या 1-2 दिन 1 हफ्ता पहले। लोग क्या करते हैं जो है दिन में फिर सोने की आदत हटाते हैं ताकि वो उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे इसी पीक टाइम पे अगर कोई खाना खाने के बाद लंच करने के बाद सोता है तो वो चीज़ एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहेगा, क्योंकि फिर वही जो पूरे साल भर का जो रूटीन है वही रूटीन एग्ज़ाम में जो है हो सकता है कि वो चीज़ सामने आ जाए। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ आप कोशिश करिए कि आप इस शेड्यूल ये भी शेड्यूल अपना सकते हैं या फिर दूसरा शेड्यूल मैंने बताया कि पहले थ्योरी कवर की फिर उसी से रिगार्डिंग तुरंत ही जो है उसके MCQ सॉल्व करें। और दोस्तों दिन में डेली 1 घंटा 1.5 घंटा मिनिमम आप रिवीजन का जरूर दीजिए, आपने जो पढ़ा है या जो आपने पिछला जो कुछ दिन में जो पढ़ा है एटलीस्ट वो चीज़ भी रिवीजन में दीजिए। इसके अलावा 8 से 10 घंटे के अलावा एक शेड्यूल एक जो टाइम स्लॉट है वो आप रिवीजन के लिए भी आप दीजिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो इतना बड़ा जो कोर्स है वो माइंड से जो है स्किप होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो है रिवीजन डेली करिए, है ना दोस्तों।
दोस्तों इसी साथ आज का ये सेशन मैं एंड करता हूँ। एंड करने से पहले हमारे जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, इससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों लाइक करना मत भूला करिए, इससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए, ताकि आपको स्लाइड्स के थ्रू ही आपको जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी वो सॉल्व हो जाया करें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसमें मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसे में मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, लेकिन तब भी अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आपको आता है तो आप ऐप के अंदर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर, मैं उसके लिए लाइव क्लासेस लेता हूँ, आप उसके अंदर अपने डिस्कशन, आप कोई भी डाउट है आप वो क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों भूलेगा नहीं, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं, ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ, उसके नॉर्मल यूजुअल जो चार्जेस है वो है 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़। ऐसे दोस्तों अगर मैं 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं, वो होते हैं 22,500, और ये 22,500, और 1 मंथ अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं तो वो 4,500 के उसके चार्जेस होते हैं। तो इसके अंदर यो टोटल इसको अगर करूं मैं तो ये होते हैं 27,000 रुपीज़। दोस्तों ये पॉइंट बताने का मेरा मकसद यही है कि 13 मंथ के चार्जेस में ही आपको पूरे पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि आप पे करोगे 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको जो सुविधाएं मिली वो पूरे 2 साल के लिए मिलती हैं। दोस्तों मैं ये इस 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि जनरली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं वो सफिशियंट है, लेकिन दोस्तों उसी में अगर आप 1 मंथ का और ऐड कर देते हो दोस्तों, तो ऐसे में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि एग्ज़ाम जैसे दिसंबर में हुआ, एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होता है, तो उसके बाद दोस्तों 1 महीना रिजल्ट आने में लगता है, क्योंकि जनवरी के, सॉरी माफ कीजिए, दिसंबर, जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम हुआ तो जनवरी के एंड में जो है उसका रिजल्ट आ जाता है, ज़्यादातर 30 और 31 के आसपास, और फिर उसके बाद जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, या जो है फिर काउंसलिंग करते करते जो है एम्स का एग्जाम आता है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई से टच ना हटे, इसलिए दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन पैक काफ़ी मददगार होता है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद माना कुछ दिन वो लोग रिलैक्स करते हैं, लेकिन तब भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप अपनी पढ़ाई के साथ टच में रहो, तो इसलिए ये पैक काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि रिजल्ट आने के आसपास मान लीजिए आपको एम्स की तैयारी करनी है, तो अगर ये सब्सक्रिप्शन का रहेगा तो आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से एम्स PGI के लिए भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की ये रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। कोई भी डाउट हो दोस्तों आप स्पेशल क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।